नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका चार कुकिंग में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मालपुए की रेसिपी। वो भी बनाएंगे हम पके हुए केले से। कई बार क्या होता है, घर में केला लाते तो ज़्यादा पक जाते तो खाते नहीं, तो क्यों ना उसकी हम दूसरी एक रेसिपी बना लेते हैं। तो उसकी बनाएंगे हम केले के मालपुए। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने दो केला लिया है, तो इसको छील लेंगे पहले, अच्छे से छील के इसका केले का कटिंग कर लेंगे बारीक बारीक। देखिए प्रकार से, तो इसका कटिंग कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, केला बच जाता है तो घर में खाते नहीं, तो क्यों ना उसका मालपुआ बना लेते हैं। ऐसे तो मालपुआ बहुत ही चीज़ों का बनता है अलग अलग, तो मैं बोला चलो केला बचा तो इसका ही बना लेते हैं। तो केले को हमने कट कर लिया, आप देख सकते हैं। अभी डालेंगे थोड़ा इलायची पाउडर इसमें। ये मैंने सूजी लिया है, जो ज़्यादा बड़ी वाली सूजी नहीं, नॉर्मल सूजी है ये, तो ये डाल देंगे। अभी डाल देंगे 100 ग्राम मैदा। दो केला लिया है मैं, तो मेजरमेंट के साथ बता रहा हूँ मैं। 100 ग्राम मैदा ले लिया मैंने, 50 ग्राम मैंने सूजी लिया है। अभी इसमें डाल देंगे 50 ग्राम दूध पाउडर, ताकि इसका मावा का एक टेस्ट आए। इसके लिए मैं दूध पाउडर ऐड कर रहा हूँ, नहीं चाहिए तो आप इसकी भी कर सकते हैं। 50 ग्राम डाल देंगे चीनी, क्योंकि केले ऑलरेडी बहुत ही मीठे अपने। अगर चीनी आपको ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 गिलास मैंने दूध ले लिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालेंगे और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट इसको मिक्सर में डाल के पीस सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसको अलग से मिक्स कर रहा हूँ दूध में। तो फिर से एक बार दूध डाल दिया मैंने, तो अच्छे से मिक्स कर लेते इसको, चलाते रहने का, ताकि अच्छे से इसके लम्ब सब खत्म होने चाहिए। लेकिन चम्मच से नहीं होगा तो मेरे को भी मिक्सर में डालूंगा मैं अभी। तो अच्छे से मिक्स हो चुका है, देख सकते हैं आप। अभी डालेंगे इसको मिक्सर जार में। तो ये मैंने मिक्सर में जार ले लिया है, तो इसके अंदर अभी डाल देते हैं। तो ढक्कन लगा के अभी इसको बारीक पीस लेंगे, ताकि स्मूथ इसका बैटर बन जाए। तो वही बर्तन ले लिया मैंने, वही बोल में निकाल रहा हूँ वापस। तो आप देख सकते हैं हमारा बैटर एकदम पीस के तैयार हो चुका है। तो नहीं तो ज़्यादा गाढ़ा चाहिए अपने को, नहीं ज़्यादा पतला चाहिए। तो आप देख सकते हैं बैटर, देखिए ये प्रकार से बनाना है आपको, ये देखिए। तो अभी इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि अच्छे से फूल जाए बैटर इसका। तो 10 मिनट हो चुके, अभी ढक्कन हटा के एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा बैटर अच्छे से फूल चुका है, तो मतलब अच्छे से सेट हो चुका है ये मालपुआ भी, बहुत ही बढ़िया बनेगा ये बैटर से। तो पैन में मैंने घी रख दिया है गर्म होने के लिए। आप चाहिए तो आप तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं घी में बना रहा हूँ। तो बैटर चम्मच में ले लेते हैं और आराम आराम से पैन में डालना है। साइज़ आप छोटा बड़ा जैसा आप चाहिए तो आप बना सकते हैं। इसको फैलाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप पैन के अंदर फैल जाता है ये। और ऊपर से इसके थोड़ा थोड़ा अपने को घी डालना है ऐसा, ताकि अच्छे से सिक जाए। एक बाजू सेकने के बाद दूसरी बाजू से पलटी करके अच्छे से सेक लेने का, गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। और मालपुआ भी आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट बना है और एकदम पूरा फुला फुला है। तो एक प्लेट में लगा लेते हैं, बाकी के भी यही तरीके से बना लेते हैं बचे हुए मालपुए। इसकी आपको अलग से चाशनी बनाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें हमने सब कुछ डाला है। और मावे का भी टेस्ट आया, क्योंकि हमने इसमें दूध पाउडर भी डाला है। तो ये हमारे मालपुआ बन के तैयार हो चुके, देख सकते हैं आप। तो प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सारे मालपुए यही तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं। तो हमारे सारे मालपुए बन के तैयार हो चुके, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बना है। देखिए फोल्ड करके दिखाता हूँ आपको, कितना सॉफ्ट बना, देख सकते हैं आप। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ये, देखिए। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसको गार्निश करूँगा रबड़ी से। तो अभी इसके ऊपर लगा लेंगे रबड़ी, ये केसर लच्छा रबड़ी है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना है, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड है ये, तो आप जाके ज़रूर देखिए। तो चम्मच से इसको फैला लेते हैं रबड़ी को चारों तरफ, क्योंकि रबड़ी से टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है मालपुआ का। तो बाकी बच्चे भी यही तरीके से रबड़ी लगा लेते सभी के ऊपर। ये देखिए बहुत ही आसान है रबड़ी लगाना। तो सारे भी रबड़ी लग के तैयार हो चुके, तो गार्निश कर लेंगे इसको ड्राई फ्रूट से। तो कुछ मैंने ग्रीन पिस्ता डाला कटा हुआ, थोड़ा बादाम डाल लेंगे बारीक कटे हुए। तो हमने सारे मालपुए को रबड़ी लगा लिया है, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है रबड़ी के साथ। उम्मीद करूँगा रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर कमेंट लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। तब तक बनाइए खाइए अपने फैमिली के साथ, एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।